एक बार फिर नीतू कपूर को आई ऋषि कपूर की याद। शादी की तस्वीर शेयर कर बोली नीतू कपूर, मेरे लिए शादी के बाद सब बदल गया। दिवंगत फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो नीतू कपूर के जहन से पति की यादें फीकी पड़ी हैं और ना ही वो अपने जीवन साथी को खोने के गम से उबर पाई हैं। बीते दिनों ही नीतू कपूर ने खुलासा किया था कि ऋषि कपूर के निधन के बाद उन्हें किस तरह से ट्रॉल होना पड़ा। उनके हंसने मुस्कुराने और सजने संवरने पर भी लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ताने मारे थे। ट्रॉलर्स को जवाब देते हुए नीतू कपूर ने साफ कहा कि लोग एक विधवा को रोते हुए ही देखना चाहते हैं। नीतू कपूर ने यह भी बताया कि ऋषि कपूर के जाने के बाद वो किस तरह से अधूरी हो गई हैं। वहीं अब एक बार फिर नीतू कपूर का दर्द छलका है। इंस्टाग्राम पर आलिया की सासू मां ने अपनी शादी की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जिसमें सिर पर सेहरा सजाए ऋषि कपूर दूल्हा बने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए बैठे हैं, तो वहीं कपूर परिवार की बहू बनी नीतू कपूर के चेहरे पर घबराहट के भाव भी दिख रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए नीतू कपूर ने कैप्शन में लिखा है, मेरे लिए शादी के बाद सब बदल गया, मैं इस नए सफर की शुरुआत कर रही हूं आपके आशीर्वाद से ऋषि जी, मेरे दिल में आपके साथ हूं हमेशा। यूं तो नीतू कपूर ने ये नोट अपनी अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो की प्रमोशन के लिए लिखा है, लेकिन देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऋषि कपूर से शादी के बाद नीतू कपूर की जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। 22 जनवरी 1980 को जब नीतू ऋषि कपूर से शादी के बाद कपूर परिवार की बहू बनी थी, तब उन्होंने अपने बने बनाए फिल्मी करियर को ठोकर मार दी थी। उस समय नीतू कपूर इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रहीं। और अब ऋषि कपूर के निधन के बाद जिंदगी में आए अकेलेपन और सूनेपन को दूर करने के लिए नीतू कपूर दोबारा एक्टिंग की फील्ड में लौटी हैं। इन दिनों वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं, लेकिन अक्सर वो ऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हो जाती हैं। बीते दिनों ही अपने डांस रियलिटी शो के सेट पर नीतू कपूर ने खुलासा किया था कि 13 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। ऋषि कपूर के बारे में बताते हुए नीतू कपूर की आंखों से आंसू छलक आए थे। उन्होंने बताया था कि 43 साल पहले 13 अप्रैल को ही उनकी और ऋषि कपूर की सगाई हुई थी और 13 अप्रैल को ही ऋषि कपूर को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। तब वो काफी कुछ कहना चाहते थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। वहीं बीते दिनों अपने एक इंटरव्यू में भी नीतू कपूर ने कहा कि पति के निधन के बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रॉल किया। कमेंट करने वाले उनसे कहते हैं कि पति को खोने के बाद उन्हें शोक मनाना चाहिए, लोग कहते हैं कि पति मर गया और ये एंजॉय कर रही है। इसके आगे नीतू कपूर ने ये भी कहा कि ऐसे हेटर्स से वो एक ही तरह से डील करती हैं, वो उन्हें सीधा ब्लॉक कर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।